हेलो एवरीवन, आई एम बिंदु तिवारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइडिया जनरेशन सेगमेंट में आज का सेगमेंट बहुत ही यूनिक, खास, सचमुच में अच्छा होने वाला है। आज का थॉट्स ऑफ द डे मिस रितु श्रीवास्तव के थॉट से लिया है। इससे पहले मैं आप लोगों को मिस रितु के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, किस तरीके से उन्होंने अपने लाइफ को संवारा है, सजोया है, और कैसे वो सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने काम को दिन रात करती हैं और समाज के लिए और देश के लिए, राष्ट्र के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की सोचती रहती हैं, और अपने समाज को कैसे आगे बढ़ाना है इसके बारे में वो सोचती हैं। उनके इस काम में कभी भी उनकी समस्याएं आड़े नहीं आती हैं। उनके वो बाई बर्थ विजुअली इम्पेयर्ड हैं, हार्ड ऑफ हियरिंग की भी प्रॉब्लम है, और बैकबोन में प्रॉब्लम होने की वजह से उनको चलने में भी प्रॉब्लम होती है। आपको मैं ये बताना चाहूंगी यहां पर, वो मल्टीपल डिसेबल होने के साथ साथ हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने काम को करती हैं। आज मैं आप लोगों के समक्ष उनकी कुछ लाइंस को प्रस्तुत करूंगी। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं उनकी लाइन को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का एक अवसर मिला, एक चांस मिला, ये मेरा परम सौभाग्य है। पूछो ना जिंदगी क्यों है गम से भरी, पूछो ना जिंदगी क्यों है गम से भरी, क्योंकि हमको है इसमें खुशी खोजना, क्योंकि हमको है इसमें खुशी खोजना। आसमां पर यूं चढ़ना गवारा नहीं, आसमां पर यूं चढ़ना गवारा नहीं, क्योंकि हमको है खुद की जमी खोजना, क्योंकि हमको है खुद की जमी खोजना। बिन मशक्कत नहीं डोल सकते हो तुम, बिन मशक्कत नहीं डोल सकते हो तुम, सुख का सागर नहीं खोल सकते हो तुम, सुख का सागर नहीं खोल सकते हो तुम। प्रश्न ये है तुम्हारा ये क्या रीत है, प्रश्न ये है तुम्हारा ये क्या रीत है, अब तो तुमको स्वयं दिल से है सोचना, अब तो तुमको स्वयं दिल से है सोचना। रोते क्यों हो भला गम की दस्तक से तुम, रोते क्यों हो भला गम की दस्तक से तुम, मन में डर के ये जाले रहे क्यों हो बुन, मन में डर के ये जाले रहे क्यों हो बुन। रोते पिटते जनों को नहीं देखते, रोते पिटते जनों को नहीं देखते, उनके आंसू हैं तुमको अभी पूछना, उनके आंसू हैं तुमको अभी पूछना। जिंदगी की तेरी एक यही है डगर, जिंदगी की तेरी एक यही है डगर, जिस पे चलना तुझे हर घड़ी हर पहर, जिस पे चलना तुझे हर घड़ी हर पहर। कर तू ये आस जीने की होकर निडर, कर तू ये आस जीने की होके निडर, ऐसे में कैसे संभव तुझे रोकना, ऐसे में कैसे संभव तुझे रोकना। इस कविता ने मुझे इतना ज्यादा प्रेरित किया और इतना ज्यादा सकारात्मक सोच भर दिया कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी भी कठिनाई हो, लेकिन आपको उसमें भी खुश रहना है, उस अपने गम को भुलाकर आगे बढ़ना है, और कभी भी हार नहीं मानना है, एक अपनी जमी खोजना है और उस पे आपको अपने आप को खड़ा करना है। और कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे संभव हो चाहे असंभव हो, आपको बस जीने की चाह होनी चाहिए और हमेशा अच्छा काम करने के लिए इसके बारे में सोचते रहना चाहिए, कुछ नया कैसे करें, कैसे आगे बढ़ें, चाहे जैसी परिस्थिति हो,
चाहे जैसे आप हो, हर एक परिस्थिति में अपने आप को खड़ा करिए एक मजबूती के साथ, एक पावर के साथ, और आगे बढ़ते रहिए। इसमें आपको बता रही हूँ, यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जो रितु दीदी ने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया होगा, क्योंकि मल्टीपल डिसेबल होने के साथ साथ उन्हें सोसाइटी में कोई एक्सेप्ट नहीं करता था, इवन उनके बहुत सारे फ्रेंड्स भी नहीं थे, बहुत सारे लोग उनको इग्नोर करते थे, उनको कई बार गलत डायरेक्शन बताते थे और उनको बाय द वे पीट भी देते थे, कितना उनको हर्ट होता होगा। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने, उनके अंदर एक ऐसा सकारात्मक जज्बा था कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना, मुझे आगे बढ़ना है और इन सारी बातों पर मुझे नहीं ध्यान देना है, और अपने आप को वो आगे बढ़ाने में लग गई एक सकारात्मक सोच के साथ। तो इसमें उनका सहयोग, इनके माता पिता का बहुत ज्यादा ही योगदान रहा, हमेशा उनको मोटिवेट करते रहे, प्रेरित करते रहे कि नहीं, तुम्हें सबसे अलग होकर काम करना है और तुम्हें हमेशा पॉजिटिव रहना है, जो तुम्हें चिढ़ा रहे हैं, जो तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं, एक दिन वो तुम्हारे साथ जरूर खड़े होंगे। और बिल्कुल सही है, जब आप इतना प्रयास करके काम करोगे और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ काम करोगे तो आपका सब लोग साथ देंगे। और इसमें सबसे ज्यादा योगदान इनकी प्राइमरी एजुकेशन से लेकर सेकेंडरी एजुकेशन तक जिसने साथ दिया वो सिस्टर ज्योतिका है, उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया। हर टीचर्स ने मना किया कि ये एजुकेशन नहीं ले सकती है, ये आगे नहीं पढ़ सकती है, लेकिन इस चैलेंज को उन्होंने एक्सेप्ट किया और कहा नहीं, ये सब कुछ कर सकती है, इसके लिए चाहे मुझे अपनी जॉब क्यों ना छोड़नी पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं इस लड़की को जरूर आगे बढ़ाऊंगी और ये जरूर समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ और लोगों से अलग कर सकती है। क्योंकि एक टीचर और एक पेरेंट्स ऐसे कड़ी हैं जो कि अपने बच्चे को आगे तक ले जाने में, उनकी प्रतिभा को वही जान सकते हैं एक टीचर, क्योंकि टीचर एक ऐसा हम कह सकते हैं कि ऐसे वो पौधे लगाते हैं जिसको सींच कर काफी आगे तक ले जाते हैं और सोसाइटी में एक उस विद्यार्थी के लिए आगे बढ़ने के लिए वो कैसे अपने हौसले को बुलंद रखे, कैसे वो अपने जज्बे को कायम रखे, इसके लिए दिन रात प्रयत्न करते हैं और उसको हमेशा एक शिखर पे पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा जो सिस्टर ज्योतिका का सहयोग रहा और पेरेंट्स का सहयोग मिला, जो कि आज रितु दीदी सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं और कैसे काम को करना चाहिए उसको बताती हैं। और आपको बता रहे हैं यहाँ पर छोटा सा अपना एक्सपीरियंस कि मेरे अंदर भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं रिकॉर्डिंग कर सकूं। उसका कारण था, मैं रिसेंटली ब्लाइंड हूँ और मेरी ब्रेल भी इतनी अच्छी नहीं थी। मैंने कोशिश किया, मैंने ट्राई किया, मैं अपने काम के लिए लिख भी लेती थी, पढ़ भी लेती थी, लेकिन इतनी अच्छी ब्रेल नहीं थी कि मैं लोगों के सामने उसको रिकॉर्डिंग कर सकूं। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो, चार बार पढ़ो। जब उसको एकदम कॉन्फिडेंस के साथ तुम्हें लगे कि अब मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ, देन तुम रिकॉर्ड करो। लेकिन इससे मुझे काफी बेनिफिट मिला और सच में वो जो उनका अपना आत्मविश्वास था कि नहीं तुम कर सकती हो, क्योंकि वो उनका अपनापन था। और सच में मुझे दो तीन दिन, चार दिन, पांच दिन बहुत प्रॉब्लम हुई, मुझे हेजिटेशन होता था, पता नहीं अच्छा है कि बुरा है मैं इसमें हमेशा, लेकिन मेरे अंदर भी उन्होंने एक सकारात्मक थिंकिंग डेवलप की और मैं आज रिकॉर्ड करती हूँ। मुझे पता है कि थोड़े बहुत मिस्टेक्स होंगे, कई बार हो सकता है कि रुक कर मैं रीड करती हूँ वो, लेकिन उनका एक अपना कॉन्फिडेंस जो था कि नहीं तुम कर सकती हो, उनका एक अपना आत्मविश्वास था, तो ये अपने आप में हमेशा वो पॉजिटिव होकर सोचती हैं। तो मुझे ये चीज उनसे सीखने के लिए मिली और आज वो अपनी आवाज के थ्रू कितने लोगों को
ज्ञान देती हैं, सिखाती हैं कि तुम लोग बहुत कुछ जीवन में कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, अगर तुम्हारे अंदर हुनर है, जज्बा है और सोचने समझने की शक्ति है, निर्णय लेने की शक्ति है और आपके अंदर आत्मबल है तो आप सब कुछ कर सकते हैं और हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू थॉट्स के साथ आपसे मिलती हूँ और इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर करिए सच में जिसको इसकी नीड है और लोग इस वीडियो को सुनकर वो समस्याओं को भूल जाएं, अपने गम को भूल जाएं, हमेशा उनके अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप हो और डेवलप करके अपने आप को वो भी समाज, राष्ट्र और राष्ट्र के लिए अपनी अहम भूमिका निभाएं और उसमें अपना योगदान दें। और इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर करिए जो इंटरनेट की सेवा से वंचित हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।